गाय माता है। हर बाबा बीजेपी का हर बाबा तो सब है लाल। इस पर लोग कहेगा कि जानबूझकर लालू जी अब गाय के साथ खड़े होकर और फोटो खिंचवा रहे हैं। तो हम रहते हैं गाय के, यही हमारा घर है, द्वार है। पूरी लड़ाई लेकिन महागठबंधन वर्सेज एनडीए, ये हो गई है मोदी वर्सेज लालू। वो सबसे ज्यादा आप ही पर हमला कर रहे हैं भाषण। मोदी वोदी हमारे सामने क्या टिकेगा? मोदी हे जूनियर टू में मोदी मोदी क्या टिकेगा हमारे सामने? लेकिन प्रचंड जनादेश के साथ देश के प्रधानमंत्री तो बन गए। छपरेश में डाले इसलिए नहीं जा रहे हैं, अब लीलाम टंगा रहा है। आदमी चढ़ता है, ये पूर्व जन्म का था कि एक बार बनेगा नरेंद्र मोदी, अब इनका विनाश हो। पहले पूर्व जन्म का कुछ काम किया। बिहार में सफाया हो गया? मतलब बिहार के देश से सफाया यहीं से न कर देंगे हम, यहीं के बाद एकदम चढ़ाई है। ये तो अंगड़ाई है, बाकी अभी लड़ाई है आजादी का, अब लड़ाई छिड़ा है। सुबह सुबह मतलब अब आपने लगभग तय कर लिया है कि एक बार फिर से 8 जगह रैली करेंगे? 8 जगह आज रैली है, रोज 8 जगह करते हैं। सुबह में ही पूरा अच्छा से खाना हो जाता है, मतलब भोजन चावल दाल? चावल दाल बिहारी खाना जो है, लौकी के भिंडी उंडी सब खा के तब जाकर नरेंद्र मोदी के विदाई का सब श्री गणेश करते हैं रोज। तो ये मतलब चावल दाल खा के लोग पानी पिलाता है, अब चावल दाल खा के जाते हैं मैदान में लड़ने के? चावल दाल खा लेते हैं, अब हेलीकॉप्टर के लिए ठेकुआ वगैरह कुछ रखे रहते हैं ऊपर। ठेकुआ और दिन तरा वगैरह सेव है जो मन में आया बकोट लिया। चलिए अब चुनावी बातों पर आते हैं लालू प्रसाद यादव जी। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि बिग बॉस का घर है ये महागठबंधन, बिग बॉस सब आपस में ही लड़ते झगड़ते रहेंगे सिर्फ कहने को। मोदी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतना बड़ा चैलेंज मिलेगा बिहार में, वो समझ गए थे कि ये हरियाणा है और बम्बई है, और इनको मालूम नहीं कि बिहार कितना मोस्ट पोलिटिकलाइज स्टेट है और उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है बिहार। तो किया थिया तो कुछ नहीं नरेंद्र मोदी ने, और आए थे बिहार को हथियाने के लिए, और नीतीश कुमार हमारा जो एकजुटता हुआ और कांग्रेस पार्टी के, तो पूरा मोदी के विदाई का रास्ता पक्का हो गया एकदम यहाँ से, और इसके बाद इस्तीफा करना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को। ये देश का लड़ाई है। इस्तीफा? इस्तीफा करके भागेगा हारेगा बिहार तो नरेंद्र मोदी को, और ये देश का लड़ाई है, बिहार का लड़ाई नहीं है। सारा देश का मैदान है बिहार, देश की लड़ाई का मैदान है बिहार। और इतना खतरनाक चाल इन्होंने, जो गुलवरकर का जो किताब है इनके गुरु का, उसमें साफ लिखा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर दलित या दलित नेता अनाउंस करके आवे तो हिंदू लोगों को चहेट देना चाहिए ऐसे लोगों को, ये लिखा है जो इनके गुरु हैं, सबके गुरु हैं। किताब रखे हैं क्या आप? अभी दिखाते हैं अभी तो किताब ला रहे किताब ला कर दिखाए, उस किताब को पढ़ भी रहे हैं यार, दिखा रहे हैं? नहीं हम दे रहे हैं ना, आपको लिख के दे देंगे, पढ़ेंगे तो फिर हाथ में से खाना छोड़ जाएगा। जब तक किताब आता है, एक बार फिर से मोहन भागवत जी ने कहा है लखनऊ में कि समीक्षा होनी चाहिए, मेरी बात को तोड़ मरिए कि ये किताब इसमें ये है उनके गुरु, और इसमें आरक्षण के खिलाफ लिखा जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं मोहन भागवत। ये मोहन भागवत अकेले नहीं है, ही इज ए स्पोक्स पर्सन, ही इज ए सुप्रीम कमांड ऑफ द बीजेपी मैन, तो उस एजेंडा को ये लागू करना चाहते हैं। अब मन की जो बात थी ये निकल गई और एकदम आग जैसा फैल गया है पूरा बिहार में, और किसी भी कीमत पर मोहन भागवत हो या कोई हो, अगर हमारे पिछड़ों के दलितों के रिजर्वेशन को छेड़छाड़ किया तो आप समझ लेना कि हम चढ़ जाएंगे, सूली पर चढ़ जाएंगे, लेकिन हम ईंट से ईंट बजा देंगे। तुम बोलते हो कि हम बैकवर्ड हैं, मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर चाय बेचता है तो फलाना छेड़छाड़, ये कौन है? हम ये जानना चाहते हैं, बात सुनो, आप पूछो इसे ये
जो बीजेपी का जो अध्यक्ष है अमित शाह से पूछो कि कौन धर्म को ही मानता है, इसकी जाति क्या है, उसके बाद आगे हम बताएंगे। इससे पूछो मोहन भागवत क्या हिंदू है या कोई दूसरा पंथ का है, ये हमको बतावे, ये हमारा सवाल है। किस जाति के हो आप बताओ मोहन भागवत। उसके बाद से इन लोगों ने छेड़छाड़ किया, ये आए थे, ये समझ रहे थे कि हरियाणा है, झांसा में देखे लोगों को कुछ बोल के सारा मंत्रिमंडल यहाँ बैठा हुआ है। अब चलो हवाई अड्डा में देखो 50 हेलीकॉप्टर सब लेकर आया है और ब्लैक मनी लेकर आया है, करेंसी लेकर आया है, जाली नोट सबको बांटने के लिए यहाँ पर बिहार में। कोई तो समझ नहीं, तूफान है 95 जैसा लहर है यहाँ, और 100 कम से कम 180 सीट पर हम लोग जीतेंगे। सवाल ये है, उनका कहना है कि हिंदू ध्रुवीकरण से आप डरते हैं, आपको लगता है कि जात पात लोग मानेंगे तो हमको वोट देते रहेंगे, हिंदू ध्रुवीकरण हो गया तो उधर चले जाएंगे। जो गरीब हिंदू है, जो दलित है, पिछड़ा है, उसके दुश्मन है ये अभिजात वर्ग। पूरा आरएसएस में ब्राह्मण भरा हुआ है, पूरा आरएसएस में ब्राह्मण भरा हुआ है, बताओ। तो ये जात पात ये करता, हम गरीबों को, वंचितों को हम मिनिस्ट्री में लाना चाहते तो हम पर आरोप लगाता। नरेंद्र मोदी तो ब्राह्मण नहीं है। ये नरेंद्र मोदी क्या है, सब कोई दुनिया जानती है क्या? नरेंद्र मोदी तो बोला प्रधानमंत्री की हम चाय बेच रहे थे तो हम हिंदी सीखा, तो अंग्रेज थे क्या आप? ये फजूला बात बोलता, ये नहीं है वो, तो क्यों नहीं बोला? नरेंद्र मोदी अगर बैकवर्ड की बात करता है तो मोहन भागवत को निकालो, मोहन भागवत को निकालो, कार्रवाई करो, अन्यथा गर्दी से चिपके हुए हो तो छोड़ो। ये सबका सह है, सुप्रीम कमांड है वो मोहन भागवत इन लोगों का।